बस दुर्घटना में घायल प्रवासी मजदूरों की आवाज बनी सुल्तानपुर कांग्रेस, धरना प्रदर्शन कर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 31 अगस्त 2020 को जनहित के मामलों को लेकर सुल्तानपुर कांग्रेस इन दिनों काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए है। आज जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में सुल्तानपुर कांग्रेस पार्टी ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रवासी मजदूरों को लेकर धरना आंदोलन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 2 जून 2020 को मुंबई से कुछ प्रवासी मजदूर कोविड-19 लॉकडाउन से परेशान होकर ट्रेन द्वारा सुल्तानपुर आए थे। इन प्रवासी मजदूरों को सुल्तानपुर के फरीदीपुर में शासन की ओर से क्वारंटीन किया गया था। बाद में इन्हें इनके घर शासन की ओर से एक स्कूल बस के माध्यम से भेजा जा रहा था। इस स्कूल बस का टाटिया नगर में एक ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हो गया था। इस दुर्घटना में 35 प्रवासी मजदूर चोटिल हुए थे, जिनमें से ग्राम इमलिया निवासी ओम प्रकाश नामक एक प्रवासी मजदूर की उपचार के अभाव में मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। 2 जून को जो प्रवासी मजदूरों की बस का एक्सीडेंट यहां टाटिया नगर बाईपास पे हुआ था, आज तक उनके न कोई इलाज की व्यवस्था हो पाई है, न उनको कोई सहायता मिल पाई है। उसमें से 4 लोग जिनका स्वर्गवास हो चुका है, 4 लोगों का देहांत हो चुका है, 5वां की स्थिति बहुत गंभीर है। अभी जैसे सुबह से 6 बजे से वो ट्राई कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही। आज इसी सब प्रकरण को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, लेकिन प्रभारी मंत्री के प्रोटोकॉल में जिलाधिकारी जी को शायद समय नहीं मिल पाया कि पीड़ित से मिल सकें, हम लोग की बात सुन सकें। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, जैसे 5ों की स्थिति गंभीर है, भगवान न करे कुछ उनके साथ हो, अगर कहीं इस तरह की कोई घटना हुई तो हम कांग्रेस पार्टी उसको लेकर सड़क पर मुद्दा बना के उतरेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए हमारी नेता ने लड़ाई लड़ी थी, उनको घर तक पहुंचाने की हमारी पार्टी ने व्यवस्था की थी, लड़ाई लड़ी थी, हम भी उस मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। विगत 2 जून को बम्बई से प्रवासी मजदूर जनपद में आए थे और उन्हीं प्रवासी मजदूर में एक मजदूर ये आप भी थे। वो बस जिसमें जिला प्रशासन ने उनको गंतव्य तक भेजने के लिए प्रबंध किया, उस बस का फरीदीपुर के पास एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बड़ा भीषण था, मौके पर ही एकाध जन की मौत हो गई और उसके बाद सारे जो गंभीर अवस्था में चोटिल थे उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ रेफर करने के बाद परिस्थिति ये आई कि 24 घंटा तक वहाँ पर कोई भी इलाज नहीं हो पाया कोविड जांच के बहाने, और वहीं अस्पताल में केजीएमसी में ही एक चोटिल की मौत हो गई। उसके पश्चात उस मौत को देखकर घबराए हुए, भयभीत हुए बाकी अन्य जो गंभीर अवस्था में गरीब मजदूर थे, वो प्राइवेट निजी अस्पतालों में भागे। निजी अस्पताल में जाने के बाद 15-20 रोज का इलाज तक, जहां तक उनको कर्जा उपलब्ध था वहां तक उन्होंने कर्जा लेके अपना इलाज करवाया, परंतु जब धन खत्म हो गया तो अस्पताल से डिस्चार्ज लिए और चले आए अपने अपने गांव। 1 जुलाई को उन्हीं में से एक प्रवासी मजदूर ने एक आवेदन दिया राहत, मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ राशि के लिए। आज तक उस कागज पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, कोई भी राहत नहीं मिली और धीरे धीरे 4 मजदूर चिकित्सा के अभाव में कहिए, धन के अभाव में कहिए, मर चुके हैं। आज भी एक ऐसी ही परिस्थिति है। गजेनपुर का एक प्रवासी मजदूर ढिमनु निषाद आज भी मौत से लड़ रहा है। सवेरे 6 बजे से वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं उसके परिवार वाले एक अदद एम्बुलेंस के लिए, और अभी 12 बजे तक जनपद से एक एम्बुलेंस उनको नहीं मुहैया कराई होना संभव हो पाया। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, प्रतीक्षा में हैं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद करते हैं उनके संज्ञान में वस्तुस्थिति जाएगी और सरकार अपनी संवेदना को एक कार्यरूप देकर कुछ न कुछ जरूर इनको सहायता मुहैया कराएगी। एक आप हैं और एक तो एम्बुलेंस के अभाव में अभी भी अपने गांव में हैं। आपका संपूर्ण इलाज हो गया एक तरह से, लेकिन खड़े नहीं हो पाते अभी भी। इनका बच्चा भी ये है। जिलाधिकारी महोदया को ये एप्लीकेशन स्वयं इन्होंने दिया था, परंतु 1 साथ का एप्लीकेशन अभी भी तहसीलों में चक्कर काट रहा है, कार्यवाही अभी भी लंबित है इस पे। अगर
दो दो महीना तक ऐसे सीरियस केस में कार्रवाई नहीं होगी तो ये भी एक और मौत का हादसा हो जाएगा।